सो गाइज अभी गार्ड भैया बता रहे थे फॉरेस्ट के जो है कि कल जहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग करी है वो मैं अभी आप लोगों को जगह दिखाता हूँ। वहाँ पे टाइग्रेस आई थी जिसको हम वहाँ पे गेट न, अपना रूट नंबर 2 पे ढूंढ रहे थे। गाड़ी निकलने के बाद निकला है। गाइस ये देखिए पगमार्क। तो गाइस आर सर्च फॉर टाइगर इज स्टिल गोइंग ऑन। देख रहे हैं कि टाइगर मिल जाए क्योंकि ना यहाँ पे जो कल गार्ड वाले भी आए थे फॉरेस्ट गार्ड के, उन्होंने बताया था कि वो सुबह सुबह यहाँ पे अपनी मार्किंग करता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू एट अनदर ब्लॉग। और आज है हमारा डे 2 इन कतनिया घाट और हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग सफारी के लिए। लेट हो गए तो अब फटाफट से पहुँचते हैं और हम लोग अपनी मॉर्निंग सफारी पे निकल गए कतनिया घाट की। एंड लेट्स सी क्या दिखता है। ये तो एक्साइटेड यार, कल तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो दोपहर में सफारी का मज़ा ही नहीं आया, बट अभी मौसम अच्छा है और कल ये यहाँ पे इधर पे जो नदी बची है तो यहाँ पर डस्कर था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, प्लीज़ वहाँ पे जाके चेक करो। इधर पे खड़े होके हमने उसकी फ़ोटो ली थी, यहाँ पे हमने कल बहुत सारे जानवर देखे थे। आशा करता हूँ कि कल वाला ब्लॉग आप लोगों को बहुत मज़ेदार लगा होगा, राइट। और अभी हम लोग निकल चुके हैं एक नए सफ़र पे, नया सफ़र इन द सेंस टाइगर की खोज में, तो लेट्स सी क्या होता है। गाइस आज हमने क्या किया, आज हमने अपना प्लान ऑफ एक्शन चेंज किया है। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन रूट नंबर 1 बांदा रूट जो नहर के साथ साथ है उस पे ना जाके आज हम इस वाले सेकंड नंबर रूट पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आर हाई। और ये वो पेड़ है लाफ्टर ट्री, रहने आते हुए करेंगे, अभी लेट हो जाएंगे तो अभी इसके ऊपर जा रहे हैं एंड लेट्स सी क्या दिखता है। और कल शाम वाली में तो कुछ नहीं देखा था, मतलब जानवर तो दिखे थे बट टाइगर नहीं दिखा था, तो अगर वो आपको देखना है तो यहाँ आई लिंक पे है, प्लीज़ जाके चेक कीजिए। सफारी एक्सपीरियंस इज गुड, ओनली द थिंग इज कि हमें टाइगर नहीं दिखा था, बाकी अभी लगे हुए हैं देखते हैं। सो गाइस ये हम सेकंड नंबर रूट पे आ गए और जैसे ही आप इस रूट पे थोड़ा सा आगे आएंगे, साइड ऑन, जैसे ही आप इस रूट पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये मचान दिखेगी। इसके ऊपर चढ़ना तो अलाउड नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, वही यहाँ पे चढ़ के देख सकते हैं। और देखिए ग्रासलैंड क्या हरा भरा है। अभी सुबह के 6:30 हुए हैं फिर भी इतनी कोई खास ठंड नहीं है, ऐसे ओके ओके सा टेम्परेचर है। सनराइज हो रहा है एज यू कैन सी वहाँ से, गुड। इस रोड को क्या बोलते हैं भैया? ये रोड नंबर 2 है सर। अच्छा, रोड नंबर 2 के नाम से ही फेमस है। तो रोड नंबर 2 पे हमारी सफारी जा रही है। सर्च फॉर टाइगर इज स्टिल गोइंग ऑन। देख रहे हैं कि टाइगर मिल जाए क्योंकि ना यहाँ पे जो कल गार्ड वाले भी आए थे फॉरेस्ट गार्ड के, उन्होंने बताया था कि वो सुबह सुबह यहाँ पे अपनी मार्किंग करता है इसको, तो इस वजह से हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट रूट नंबर 1 हम यहीं पे आ गए, यहीं पे रिस्क लिया जाए। अब देखते हैं उस रिस्क का रिवॉर्ड मिलता है या नहीं। रूट नंबर 2 की जो हमारा है वो हमने पूरा काट लिया चक्कर, बट यहाँ पे देयर इज नो ट्रेसेस ऑफ टाइगर। एक पग मार्क मिले वो भी शायद मेरे हिसाब से 2 दिन पुराने थे। तो अब हम लोग रूट नंबर 1 पे जा रहे हैं जो कि बांदा रोड के नाम से फेमस है, जो रिवर के जस्ट बाजू में, तो वहाँ जाते हैं और देखते हैं क्या होता है, कुछ साइटिंग वाइटिंग होती है या नहीं होती, बाकी लेट्स सी जो कुछ भी हो रहा है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। और ये जो है इधर पे है अपना घड़ियाल हैचरी है और ट्रोटोटाइज हैचरी है, तो वो मैं आप लोगों को आके दिखाऊंगा। एंड बोटिंग में तो सॉरी, बोटिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि पानी नहीं है, पानी बिल्कुल सूख गया। कह रहे हैं 5 तारीख को डैम से पानी छोड़ा जाएगा, तब कुछ आसार है कि कुछ दिख जाए, तो बाकी
लेट्स सी। अभी गार्ड भैया बता रहे थे फॉरेस्ट के जो है कि कल जहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग करी है वो मैं अभी आप लोगों को जगह दिखाता हूँ। वहाँ पे टाइग्रेस आई थी जिसको हम वहाँ पे गेट अपना रूट नंबर 2 पे ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, हम जिस चीज़ को कहीं ढूंढ रहे हैं वो कहीं और मिल रही है। बताओ, ये पूरा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर वो आई और ये जो धन्यवाद का बोर्ड लगा है ना, देखो बताता हूँ कहाँ पे, ऐसा ही होता है। देखो इस पार्किंग में जहाँ पे मेरी वो गाड़ी खड़ी हुई है, भैया एक बार रोक लो, पानी की बॉटल भी ले आ, वो जा पानी की बॉटल ले आ फटाफट। इस वाली पार्किंग में टाइग्रेस आई जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और हम अपने साथ वाटर कैरी करना भूल गए थे। तो अभी इधर से निकले 2 नंबर से, तो पार्किंग के जस्ट बाजू में 2 नंबर गेट की ये है चेक पोस्ट, तो हमने कहा पानी ले ले। तो गाइज यहाँ पे पॉजिटिवली हमें कुछ साइंस मिले, साइन इन द सेंस कि पग मार्क दिख रहे, टाइगर इस तरफ गया है 1 नंबर रूट पे। तो देखते हैं, कुछ दिखता है नहीं, सामने मोर है, अभी ये नाच रहे थे, देखो क्या। गाड़ी निकलने के बाद निकला है गाइस, ये देखिए पग मार्क। हाँ, गाड़ी निकली ऊपर, ये अभी के ही तो नहीं है भैया, ले आगे। Plan of action has been changed. Now we are not going to stay here for next 2 days. अब हम लोग यहाँ से जाएंगे because यहाँ पे गर्मी भी है and the most important thing is the sighting is not happening properly. कुछ हमारे को जो टाइगर देखना था वो अभी तक दिखा नहीं, तो प्लान में तब्दीली हो गई है एकदम से। नाउ वी आर गोइंग दुधवा, और फिर दुधवा में रुक के पीलीभीत, तो जो हमारे दिन थे उसी हिसाब से फिर हम वापस चले जाएंगे। शायद कुछ इस तरीके का प्लान है, रूट नंबर 1 के एंडिंग पे आ गए, थोड़ी सी देर में मेन रोड आ जाएगा और फिर वहाँ से ये गेट बंद हो जाएगा, फिर 2 नंबर रूट है। कैसे आप ये समझ लीजिए कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट है कतर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कि हमें कुछ दिखेगा नहीं। हम फिर से एक बार गेट नंबर रोड नंबर 2 पे जा रहे हैं जस्ट टू ट्राई आर लक, राइट। ये तो अगर दिखा तो दिखा, आप लोगों को भी दिखेगा। जंगल नो डाउट बहुत अच्छा है, ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टाइगर्स, हमेशा टाइगर्स के लिए नहीं होता है। जंगल का जो लैंडस्केप है, जो यहाँ की वेजिटेशन है, बहुत ही तगड़ी है, प्लांटेशन है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप टाइगर देखने आ रहे हो तो थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हो, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। तो अब एक बार फिर से सब लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं एंड देखते हैं कुछ दिखता है नहीं, फिंगर क्रॉस। ये देखिए फाइनली सिकाओ साहब अपना खुद ड्राइव कर रहे हैं। को एक जॉब मिल गई है नई जिप्सी चलाने की, तो वो अभी जिप्सी चला रहे हैं और देख भैया जो हैं वो देख रहे हैं कि टाइगर हमें दिखता है कि नहीं। तो अब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ की कि टाइगर दिख जाए, और लेट्स सी दिखता है कि नहीं। मज़ा आ रहा है जिप्सी चलाने में, गुड। जो सफारी है मॉर्निंग की वो पूरी हो गई, कल हमने इवनिंग सफारी की थी और भैया के साथ करी। अगर किसी को भी सफारी करनी हो, भैया अपना नंबर बताओ। 6307-62-5500। नाम? शिवशंकर। तो शिवशंकर भैया को कॉल कर लेना, इनकी ये बहुत ही अच्छी जिप्सी है, मैंने चलाई भी, मज़ा आया। तो इसमें ये सफारी कराएंगे आप लोगों को। तो बस ये है कि अगर नेटवर्क में, कई बार नेटवर्क में नहीं होते तो कभी भी मिला लें, है ना, या आप कॉल बैक कर लोगे। सो गाइस ये हमारी सफारी हो गई यहाँ से पूरी, और जैसा कि मैंने अब आप लोगों को बताया कि प्लान में हमने चेंज कर दिया है, तब्दीली कर दी है, नाउ वी आर गोइंग दुधवा। सो हाउज योर एक्सपीरियंस? इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, मैंने न्यू जंगल एक्सपीरियंस किया और नया जंगल में
मतलब अच्छा लगा, बट द थिंग इज मैं जिस चीज के लिए आई थी टाइगर उससे थोड़ी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव सीन अ लेपर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, एंड दैट टू इज नॉट इन सफारी, इन आवर पर्सनल कार, इन आवर पर्सनल कार, और वो भी हमें जस्ट हमारा लकी था कि जो हमें स्पॉट हो गया, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पे ज़्यादा रुकना चाहिए क्योंकि अभी हमें एक दो जंगल और कवर करने हैं, तो आज के लिए बस हम यहाँ पे इतना ही थे, अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमने अपनी वाइफ के लिए ड्राइवरी भी करी, हम भी ड्राइवर बन गए, हमने गाड़ी चलाई जिप्सी। कैसी चलाई वो? बढ़िया, अच्छी चलाई, धचके वचके तो नहीं लगे? तो आज मैंने गाड़ी चलाई और अब यहाँ से 90% तो मन यही है कि चलते हैं। रीज़न, एक दो रीज़न ये भी हैं कि बोटिंग हो नहीं रही, तो जो घड़ियाल देखने वाला सीन था वो भी हमारा ख़राब हो गया। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर वाटर कह रहे हैं कि 5 तारीख को आएगा, अच्छा ये रहेगा कि हम यहाँ से फिर अब दूसरे फॉरेस्ट चले जाएं, दैट इज़ गुड ऑप्शन।